डिजाइन बॉक्स कंपनी एक निजी कंपनी उसके माध्यम से 2000 करोड़ के विज्ञापन, वीडियो कंटेस्ट और यूट्यूबर्स को एंगेज करके सरकार अपने खोए हुए जन आधार को ढूंढना चाहती है। सरकार ने विधानसभा के अंदर ये कहा कि हम 1,35,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन बांटेंगे, फिर मुख्यमंत्री जी मुकरे और 95,00,000 महिलाओं को दरकिनार करके 40,00,000 स्मार्टफोन बांटने की बात कही और अब तक 18,00,000 टेलीफोन उन्होंने बांटे हैं और इस टेलीफोन खरीद के अंदर भारी घोटाला हुआ है। टेलीफोन सैमसंग और ऐसी कंपनियों के हैं जो जिसमें 2G स्पेक्ट्रम के उपकरण लगे हैं और इसी कारण से यहाँ वार्ड नंबर 80 के अंदर राशि दरा के अंदर टेलीफोन फटा और एक महिला का पूरा कमरा जल गया। दूसरी ओर इन्होंने अन्नपूर्णा किट के नाम पर 1 करोड़ NFSA परिवार को सोयाबीन का तेल, मिर्च, धनिया, हल्दी बांटने का काम किया। अब तक 22 सैंपल फेल हो गए। राजस्थान के अलग अलग जिलों के अंदर 22 सैंपलों के माध्यम से लैब ने कहा जांच के पश्चात ये आश्वस्त करें। इस अन्नपूर्णा किट में भी भारी भ्रष्टाचार हुआ, 2 मंत्रियों के सर फुटोबल हुए। खाद्य और रसद मंत्री ने कहा कि 3,000 करोड़ की ये योजना रसद विभाग की है, वित्त विभाग के जिसके मंत्री मुख्यमंत्री जी उन्होंने इसको सहकारिता विभाग में स्थानांतरित की। कॉन्फर्ट के माध्यम से एक टेलर में निविदा जारी हुई, हर जिले के अंदर 50 करोड़ का जिसने पोषण वितरण का काम किया उसकी हकदार की वही कंपनी भाग ले सकती है, वही फर्म भाग ले सकती है। नतीजा ये हुआ तो पूरा राजस्थान का ठेका उस रणावत कंपनी को मिल गया जिन्होंने अभी इतना पैसा कमाया कि गहलोत साहब का एक सरकार का पुराना हेलीकॉप्टर भी उसने एक्शन पर खरीद लिया। भारतीय जनता पार्टी के शासन आने के बाद इस भाग घोटाले की हम जांच करवाएंगे। 100 यूनिट बिजली दूर की कोड़ी साबित हुई, जनता के बड़े हुए बिल आए और अजमेर में 80 जगह पर इस बिलों की होली जलाई गई। फसल बर्बाद हुई, किसान मांग करता रहा और इन्होंने गिरदावरी नहीं कराई। लंपी के अंदर इस जिले के अंदर बड़ी संख्या में लगभग 80,000 पशु कालचलित हुए और बहुत थोड़े सा हजारों की संख्या में वो भी पूरे राजस्थान में 41,000 पशु पालकों को 40,000 रुपए देकर इन्होंने अपनी बजटीय घोषणा को पूरा कर लिया। राजस्थान के अंदर हालात यह हो गई कि अब यह सरकार अपने कांग्रेस के कल्चर और वर्कर पर विश्वास नहीं कर रही, यह सिर्फ विज्ञापनों के आधार पर चुनाव लड़ रही है और विज्ञापन एजेंसियों को टैक्स पेयर का पैसा सरकार जिस प्रकार लुटा रही है और बिना वित्तीय प्रबंधन के सरकार जिस प्रकार की मंदिर बांट कर रही है। राजस्थान की वित्तीय हालत, इकोनॉमी पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह करके यह सरकार जाएगी। अब तो निगम और बोर्डों में अभी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों ने आंदोलन इसलिए किया, 1,000 करोड़ रुपया राजस्थान हाउसिंग बोर्ड से सरकार ने अपने कंसोलिडेट फंड में ट्रांसफर करा के बंदर बांट दी। 1,500 करोड़ रुपए RTDC राजस्थान पर्यटन निगम के संपत्ति को लीज में रखकर सरकार ने लोन लिया। आज सरकार के पास कर्मचारियों की तनख्वाह और वेतन का पैसा नहीं, सरकार की ट्रेजरी में
आज संवेदकों का पैसा नहीं होने के कारण से बिल अटे पड़े हैं और सरकार ने जो वादा किया था ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करते हुए जीपीएफ का लाभ देने के लिए कर्मचारियों को, वो लाभ सरकार दे नहीं पा रही। सरकार ने अपने जीडीपी का 42% लोन लेकर इस वित्तीय वर्ष में देश के अंदर सर्वाधिक लोन लेकर राजस्थान की इकोनॉमी को धराशायी कर दिया और इस सरकार को ब्यूरोक्रेट और विज्ञापन एजेंसी चला रही है। यहां स्मार्ट सिटी में अजमेर में अन्ना सागर को जिस प्रकार छोटा किया गया और एनजीटी के आदेश के बाद 24 करोड़ के काम जो अन्ना सागर के कैचमेंट एरिया में किए, 64 करोड़ के काम जो अन्ना सागर के कैचमेंट एरिया में किए, खेल ग्राउंड में दुकानें बना दी गई, एनजीटी के आदेश पर अब तोड़ने का आदेश हुए, भारतीय जनता पार्टी पूरे मामले के अंदर जांच कराएगी, उत्तरदायित्व का निर्धारण करेगी और आने वाले समय में ये भ्रष्ट कार्य को करने वाले कर्मचारी और नेता दोनों को कटघरे में खड़े करेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अनुभव के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सबसे शर्मनाक हार होगी, क्योंकि लूट और झूठ और सपनों को बेचने का काम अब जादूगर सरकार में सामने आ गया। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कुर्सी मुझे छोड़ नहीं रही और जनता है कि वो मुख्यमंत्री जी की कुर्सी की चारों टांगे तोड़ने को तैयार नहीं है। इसी अजमेर से आरपीएससी को प्रश्न बताते हुए जिन सचिन पायलट जी ने जन आक्रोश यात्रा की थी और ये कहा था कि नौजवानों को जयपुर में जाके कहा आपके पैरों के बोले को मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा, इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, आज वो भी मुकर गए और मैं समझता हूं कि अंतर्द्वंद के दम पर चली सरकार अब 2 सप्ताह की सरकार बची है। 6 तारीख से लेकर आगामी महीने की 6 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में आचार संहिता आ जाएगी, सरकार का विधानिक कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और इस जिले के अंदर सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज हमारी समन्वय समिति की बैठक, उस बैठक को लेने में आया हूं। हमने कार्यकर्ताओं से खुला संवाद किया है, परिवर्तन यात्रा के अंदर लोगों ने जो काम किया उसके लिए धन्यवाद दिया, यहाँ प्रधानमंत्री जी की ऐतिहासिक रैली हुई उसके लिए धन्यवाद दिया। हमारा भी जो संकल्प पत्र जिसके आधार पर हम भविष्य समय में बात करेंगे जनता के मुद्दों को, तो संकल्प पत्र में क्या क्या मुद्दे होने चाहिए अजमेर जिले से उसकी बात की। अजमेर जिले के अंदर बिशुनपुर के पानी को लेकर जिस प्रकार की मोदी और गंदी राजनीति की गई और जिस प्रकार यहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लोग में जो हमारे रखने के बाद भी किसानों को उस बीमा का लाभ नहीं मिला, इस सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और अब हमारा संघर्ष विधानसभा में होगा, बूथ पर होगा, हमारी बूथ कमेटियां तैयार है और हम पूरे मुस्तैदी से इस बात को आगे बढ़ाएंगे। मोटे तौर पर मुझे इतना ही कहना था, आपको कोई बात कहनी है तो पूछ लीजिए। राहुल गांधी की अभी सभा में उन्होंने